14वें तिब्बत धर्मगुरु दलाई लामा के भारत में शरणार्थी के रूप में 60 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष में दिल्ली में मनाए जाने वाले थैंक्स इंडिया कार्यक्रम को अब धर्मशाला शिफ्ट कर दिया गया है। गौरतलब रहे कि चीन ने तिब्बत पर 10 मार्च 1959 को कब्जा किया था और 17 मार्च को धर्मगुरु दलाई लामा ने तिब्बत से भारत के लिए पलायन करने के लिए अपना पद यात्रा शुरू की थी। 31 मार्च 1959 को तिब्बत धर्मगुरु दलाई लामा ने अरुणाचल बॉर्डर से भारत में प्रवेश किया। इसी उपलक्ष को 60 साल पूरा होने पर तिब्बत प्रशासन ने भारत का धन्यवाद करने के लिए इस कार्यक्रम को आयोजित करने का निर्णय लिया है। 31 मार्च को राजधानी दिल्ली के राजघाट पर आयोजित होने वाले थैंक्स कार्यक्रम इंडिया के रद्द होने के बाद अब तिब्बत प्रशासन इस कार्यक्रम को धर्मगुरु दलाई लामा के मुख्य तुंगलुक खांग मठ में आयोजित करेगा। इस कार्यक्रम में तिब्बत धर्मगुरु दलाई लामा विशेष तौर पर मौजूद रहेंगे। पहले ये कार्यक्रम 31 मार्च से 7 अप्रैल तक आयोजित किया जाना था, लेकिन अब दिल्ली में इंडिया इंटरनेशनल सेंटर तथा तिब्बत समारोह मात्र 3 दिवसीय कार्यक्रम किया जाएगा। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह सहित बड़े नेता व अधिकारियों को थैंक्स इंडिया कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए तिब्बत सरकार द्वारा नियोते भी भेजे गए हैं। गौरतलब है कि थैंक्स इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत 17 मार्च को अरुणाचल प्रदेश से पद यात्रा द्वारा शुरू करना तय था। इसके बाद 31 मार्च को यह पद यात्रा दिल्ली में धर्मगुरु दलाई लामा की अध्यक्षता में समाप्त होना निर्धारित थी। इसके बाद दिल्ली में ही 113 बौद्ध भिक्षुओं और भारतीय गुरुओं में धार्मिक बैठक निर्धारित की गई थी। दिल्ली में 1 अप्रैल को भारत का धन्यवाद करने के लिए तिब्बत प्रशासन ने त्यागराज मैदान में 1 लाख से अधिक लोगों के लिए कार्यक्रम का आयोजन निर्धारित किया था। इसके बाद 5 से 7 अप्रैल को थैंक्स इंडिया लिटिल तिब्बत फेस्टिवल निर्धारित किया था, लेकिन केंद्र सरकार के विदेश प्रधान सचिव के निर्देश अनुसार पूरा कार्यक्रम रद्द कर दिया गया। लेकिन अब दिल्ली में 2 से 4 अप्रैल तक भारतीय अंतर्राष्ट्रीय सेंटर द्वारा आयोजित समारोह का आयोजन किया जाएगा। इसमें कुछ खास नहीं होगा। ये धन्यवाद ज्ञापन जो हमारे निवासी तिब्बत की केंद्रीय प्रशासन से जो करने के लिए योजना बनाए है, और वास्तविकता में तो दिल्ली में व्यापक रूप से करना और धर्मशाला में भी करना, ये ऐसा योजना निर्धारित था, लेकिन अब एक तरफ से चीन की या राजनीति के कोई कारण से हमें ये संकेत मिला है कि इस कार्यक्रम को विशेष करके जो व्यापक रूप से है वो धर्मशाला में किया जाए, और दिल्ली में वो अपने आप में जो हमेशा होता है उस प्रकार के कार्यक्रम के आयोजित हो सके। तो इसलिए एक कार्यक्रम केंद्रीय तिब्बती प्रशासन की ओर से 31 मार्च और 1 अप्रैल से लेकर कुछ दिन के लिए योजना जैसे बनाया है वो निर्धारित रूप से यहाँ करने के लिए एक रूपरेखा उन लोगों के माध्यम से कई लोगों को अनुरोध किया है कि कार्यक्रम में सम्मिलित होने का। तो ये कार्यक्रम तो निर्धारित से होना है, क्योंकि भारत एक प्रजातंत्र देश है, एक स्वतंत्र देश है, और आज ही नहीं परंतु 1959 से लेकर आज तक ये हमारे क्रांति दिवस 59 वर्ष होने जा रहे हैं, और 60 वर्ष के निकटतम में हम शरण में शरणार्थी में आर्यभूमि में रह रहे हैं, और परम पूज्य दलाई लामा जी के नेतृत्व में भारत सरकार के सहयोग और जनता के योगदान और विश्व के योगदान। इसलिए केंद्रीय तिब्बती प्रशासन की ओर से तिब्बत की समस्या, तिब्बत की संघर्ष आज तक जीवित रखना और विश्व तक तिब्बत की समस्या का समाधान और समर्थन प्राप्त हुआ है, तो उससे लेकर पूरे विश्व को कि तिब्बत के विषय को, तिब्बत की समस्या को, तिब्बत की एक समाधान के लिए सहयोग मिला है, समर्थन मिला है, उसको
हमारे एक कर्तव्य बनता है कि धन्यवाद करने का,